मीठी सेवियां बनाने के लिए एक पैन के अंदर लेंगे सबसे पहले 2 चम्मच देसी घी, और जब घी गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे हम 1 कप सेवियां। यहाँ मैंने अनरोस्टेड यानी कि बिना भुनी हुई सेवियां ली हैं, तो हम पहले इसको करेंगे रोस्ट। आप चाहें तो रोस्टेड सेवियां भी ले सकते हैं। रोस्ट करने में लगेंगे हमें लगभग 4 से 5 मिनट, और ध्यान रखें कि इसको लो फ्लेम पे ही रोस्ट करें। ये हमारी बढ़िया गोल्डन ब्राउन रोस्ट हो गई है। अब डालेंगे हम इसमें पानी। 1 कप सेवियों में मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी, और पानी डालने के बाद सेवियों को हम कर लेंगे बढ़िया तरीके से मिक्स और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। थोड़ा ये पक जाएगी उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 कप चीनी, और चीनी डालने के बाद भी इसको मिला लेंगे। और अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो चीनी की मात्रा थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं। लो, इसमें सारा सामान हमारा डल गया है। इसकी लिड कवर करके हम इसको 3 से 4 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे कि ये हल्की पक जाएगी और नरम हो जाएगी, और इसको फिर से एक बार चला लेंगे। सेवियां हमें तब तक पकानी है जब तक कि इसका पानी उड़ ना जाए और ये हल्की हल्की गाढ़ी होने शुरू हो जाए। उसके बाद डालेंगे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ काजू, बादाम और किशमिश डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल सकते हैं, और ज्यादा ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है तो ज्यादा ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं। तो सेवियां हमारी लगभग बनके तैयार है, बस थोड़ा सा और इसको पकाना है। और यहाँ मैंने डाली है इसके अंदर इलायची पाउडर। इलायची पाउडर का टेस्ट सेवियों में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, तो जब भी आप सेवियां बनाएं इलायची पाउडर उसके अंदर जरूर डालें। तो सेवियां हमारी बनके तैयार हो गई है और इलायची पाउडर की खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। क्यों, है ना ये मीठी सेवियां बनाना कितना सिंपल। तो जब भी कोई त्योहार हो या आपका मीठा खाने का मन करे तो इन सेवियों को झटपट बना के तैयार कर लें और खुद भी खाएं, अपने परिवार को भी खिलाएं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग विद आश्रमास किचन।